नाज़रीन, इन दिनों वादी कश्मीर शदीद गर्मी की लपेट में है, पर महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में बारिशों की पेशगोई की है और गालिबन 5, 4, 5 और 6 जुलाई को बारिशें होगी, ये महकमा मौसमियात ने पेशगोई की। पर टंगमर्ग और गुलमर्ग के अंदर आज दिन में बूंदाबांदी हुई है और इस बूंदाबांदी की वजह से जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने जो है राहत महसूस की और साथ ही साथ जो टूरिस्ट वहाँ रियासतों से आए हैं उन्होंने भी जो है राहत महसूस की, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर भी काफ़ी गर्मी जो पाई जा रही थी और टंगमर्ग के अंदर भी, पर बूंदाबांदी की वजह से एक अलग ही समा आज देखने को मिला। जो मुकामी लोग हैं उन्होंने जो है काफ़ी खुशी का इजहार भी किया। गर्म हा वह बर्दाश्त, नबर हा गर्म पे सह लोग घंटे ब्रोह सह लोग रूद, वह हल्क हल्क रूद पे कम कम पे मौसम हा गो सुहाना, बड़ राहत सा मिले हा यो टूरिस्ट तम सा मिले राहत अम रूद लाइव सा मिले रूद लाइव राहत, मौसम हा गो सुहाना। अगर हा बे रूद पे टूरिस्ट हा इन कर ज्यादा विजिट गुलमर्ग टंगमर्ग हा कर ज्यादा विजिट, यह रबस कुन शुक्र वाना इस रूद लाग। वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार तपती धूप के बीच, अगर हम बात करेंगे इस वक्त साहिब मुकाम गुलमर्ग या टंगमर्ग की बात करेंगे, जहाँ पर अभी भी कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से हमने देखा था कि जो वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से तापमान बना हुआ था, चाहे हम दिन के तापमान की बात करेंगे या रात के तापमान की बात करेंगे, जहाँ पर हमने देखा शहर श्रीनगर के साथ साथ जो यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन एक बार फिर मौसम में तब्दीली आने के साथ ही साहिब मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग द्रंग या सन्सफल आला की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और लोगों ने इस तपती की धूप से जो है राहत की सांस ली है। जब हमारे यहां पर मकामी लोगों से बातचीत हुई काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मकामी मौसमियात का भी कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में जो है तब्दीली आ सकती है और यहाँ पर लोगों को इस गर्मी से जो है वो राहत मिल सकती है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो है राहत की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद कि वादी कश्मीर के अंदर मौसम में जो है तब्दीली आए ताकि यहाँ हम लोगों के साथ साथ जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें भी राहत की सांस जो है वो नसीब हो सके। आदिल डार, वॉइस टीवी उर्दू, गुलमर्ग कश्मीर। चलिए, हमारे साथ ही आदिल डार रिपोर्ट दे रहे थे गुलमर्ग टंगमर्ग से। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के